ये हमने नरेश भाई ने बनाया है, नरेश भाई और उनके साथी ने बनाया है ये तरपाल का टेंट। और इसके नीचे वे सोए थे आज। इसकी हाइट देख सकते हो, सिर्फ 4 फीट है इसकी हाइट। इसके नीचे सोए थे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग, न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइस स्नान हो चुका है और बाहर वाल स्वाते हैं और चलते हैं सीधा मंदिर, गणपति जी की दीपक करते हैं, चलते हैं दीपक करके आते हैं। गाइस हम आए थे रात को और रात को यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा था रात को और लाइट की व्यवस्था थी नहीं, तो आप लोग कुछ देख नहीं पाए, तो आप ही देख सकते हो। तो ये हमने नरेश भाई ने बनाया है, नरेश भाई और उनके साथी ने बनाया है ये तरपाल का टेंट। और इसके नीचे वे सोए थे आज। इसकी हाइट देख सकते हो, सिर्फ 4 फीट है इसकी हाइट। इसके नीचे सोए थे, नीचे अंदर का भी आपको बताऊंगा, लेकिन देख सकते हो कैसा मस्त बना रखा है, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जा सकती। हम पहले बनाते थे काफ़ी बड़ा वाला, आज बनाएंगे बड़ा वाला, उसमें पानी की पसांट आएगी बारिश के समय में, पसांट वो अंदर हम पानी घुस सकता है, लेकिन ये काफ़ी मस्त है, कंफर्टेबल लग रहा है। अंदर चलते देखते हैं, काफ़ी मस्त है गाइस। यहाँ पर खड़े हो नहीं सकते हम, लेकिन बैठकर आराम से गप्पे चील मार सकते हैं। देख सकते हो ऊपर काफ़ी अच्छा पाल, अच्छा ये अच्छा तरपाल लेके आए थे बड़े, काफ़ी ये वाला तरपाल लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। और ये ब्लैक वाला, ये पहले वाला 3 साल पुराना है ये, और ये अभी नरेश भाई के घर से लाए हैं, काफ़ी हेवी वाला ये, काफ़ी मस्त। और यहाँ पे पानी की पड़ने की कोई कोई गुंजाइश नहीं है, पानी पड़ने की काफ़ी मस्त। और ये बिस्तर पड़े हैं भाई लोगों के, ये 3-5 जने यहाँ पे सोए थे, 4-5 जने यहाँ पे सोए थे। तो यहाँ पे गीला है, इस ये क्यों बारिश आई थी तब गीला हो गया था, लेकिन नरेश बारिश के बाद ये हम पाल का जुगाड़ लगाया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर गीला गीला हिस्सा है, धूप आएगी तो ये उड़ जाएगा। और आज बनाएंगे अच्छा वाला हम पंडाल। तो अभी फ़िलहाल में लाइट की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि रात को लाइट की व्यवस्था थी नहीं, तो काफ़ी समस्या हो रही थी रात को, रात को काफ़ी समस्या होती है लाइट नहीं होती। तो अभी फ़िलहाल में गए थे केबल लेने के लिए नरेश भाई, और हम अभी यहाँ पर आए हैं, मंदिर में कोई नहीं यहाँ पर, तो ये खाली बिस्तर पड़े हैं लोगों के, दोस्तों के। तो फिलहाल में यहाँ पे सही करेंगे, आज बहुत ही अच्छा बनाएंगे डेकोरेशन, बहुत ही अच्छा पंडाल बनाने वाले हैं हम। आज करेंगे हम लाइट की व्यवस्था, क्योंकि रात को समस्या होती है तो लाइट की व्यवस्था करते हैं, और रात को अंधेरा रहता है इसलिए लाइट की व्यवस्था आज करनी है, अभी कर देते हैं क्योंकि बारिश आएगी, तब हम यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे तब तक। तो फिलहाल हम लाइट की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद पंडाल बनाएंगे। साथी जने आ जाएंगे, सारे जने स्कूल गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, वो सारे स्कूल गए हैं, वो आएंगे तब तक काम करवाएंगे, 12वीं तक के बच्चे, 8वीं से लगाकर 12वीं तक बच्चे हमारे ग्रुप में हैं, तो वो आएंगे तब तक हम यहाँ पे कुछ कुछ काम करते रहेंगे। फिलहाल में हम आ चुके हैं टेंट से बाहर, बाहर आ चुके हैं, बाहर का भी कुछ ऐसा है, सुनसान लग रहा मंदिर का यहाँ वातावरण में, कोई नहीं दिख रहा है मेरे को अभी, तो अभी खुला खुला सा ही है यहाँ पर, काफ़ी नाइस जगह यहाँ पे, हमें हमारी फेवरेट जगह यहाँ पे, गणपति जी स्थापना की फेवरेट यहाँ पे जगह है, पहाड़ के ऊपर है, तो यहाँ पर काफ़ी शुद्ध हवा आती है और काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का, बैठने का उठने का काफ़ी अच्छा है यहाँ पे स्पेस जगह। तो अभी तक भाई लोग आए नहीं हैं, तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं, आएंगे तब गप्पे चील मारेंगे। हमने दीपक कर दिया है गणपति जी को, गणपति जी का दीपक हमने कर दिया है, तो फिलहाल में यहाँ पर बैठते हैं। मंदिर हमारे भैरव जी बाबा जी का है मंदिर, तो अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ताला खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि फूल प्रसाद माला कुछ भी रख सकते हैं अंदर, और कोई आने जाने वाले दर्शन करते रहेंगे, रोक भी लगेंगे इसीलिए, और किसी ने नारियल रख दिया है बाहर, अंदर रखना पड़ेगा, बाहर रखना ठीक नहीं है, अंदर रखने में काफ़ी ठीक रहेगा, तो नारियल बाहर रखा हुआ है। तो आज ताला खुलवाएंगे और कुछ मिलेंगे ज़रूरी कीमती सामान नहीं था, इस फूल प्रसाद माला कुछ भी रख सकते हैं अंदर, ठीक रहेगा सेफ्टी। कोई आया नहीं है यहाँ पे, हम चलते हैं अभी घर पे, और कोई आएगा तब फिर से हम वापस आ जाएंगे, अभी फ़िलहाल में चलते हैं घर पर, वापस आते हैं।
कुछ खाया नहीं, नाश्ता करके आते हैं, खाना वाना ही खाना ही है, चलते हैं। बस यहाँ पे काफ़ी गहरी खाई है, देख सकते हो यहाँ से सारी मिट्टी चली गई है, यहाँ पे यहाँ से मिट्टी बहकर चली गई है, तो काफ़ी यहाँ डरावनी जगह है। यहाँ गिरते ही सीधा नीचे रोड में जाएंगे हम। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे और खाते हैं खाना, रोटी मर आ चुकी है, क्या है खाना देखते हैं, थाली वाली लाते हैं, खाते हैं खाना, चलते हैं। तो गाइस आ चुका खाना, खाते हैं अरवी की सब्जी रोटी खाते हैं। गाइस हम चलते हैं अभी मंदिर और देखते हैं व्यवस्था कैसी हो चुकी है, व्यवस्था हुई नहीं हुई लाइट की, हमने बोला तो था लाइट के लिए, तो देखते हैं लाइट की व्यवस्था हुई नहीं हुई। नरेश भाई ऊपर ही थे, हम गए थे घर पे और हम गए थे खमनौर और जाके हम आ चुके हैं अभी फिलहाल में, देखते हैं कि हम आ चुके हैं। सूरज आ चुका है हमारे साथ और हम आ चुके हैं मंदिर, बाकी के लोग हैं ही नहीं यहाँ पे, कोई नहीं आए थे अभी, तो अभी हम कोई आए नहीं अभी, तरपाल हमारा वो बनाना मंडाल पांडाल, नहीं तो यही रहने देते हैं पांडाल। तो अभी हम घर आ चुके हैं और अभी काफ़ी गर्मी लग रही है, इसलिए हम चल कर दिया है फैन कूलर और हमारा आ चुकी है चाय, पीते हैं चाय को, पीते हैं चाय, काफ़ी गर्मी लग रही है, काफ़ी मस्त लग रहा है कूलर, अभी ठंड का समय है, अभी ठंड का समय चल रहा है, लेकिन तो भी हमें गर्मी लग रही है, पीते हैं चाय को। हे गाइस तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर और आज लाइट की व्यवस्था हो चुकी है, काफ़ी जगमग लग रहा है यहाँ पे, एक लाइट की वेस्ट यहाँ पे लाइट लगाई थी हमने, वो लाइट की अभी तक जली नहीं है, ये पूरी केबल ख़राब है यहाँ की, तो कल यहाँ पे सही करेंगे, फिलहाल में यहाँ पे लाइट नहीं जली है, सिर्फ यहाँ पे जली लाइट, ये एक लाइट बहुत है, दो दिन से बेहतर है आज का दिन, क्योंकि आज लाइट तो है इतनी, तो लाइट की हमें ज़रूरत है, लाइट हमारा हो गई व्यवस्था काफ़ी अंधेरा है, लेकिन ठीक है। तो हम आ चुके घर पर और काफ़ी धुआं हो रहा है, पेड़ ने किया है धुआं, काफ़ी मच्छर है यहाँ पे, तो पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया पूरा, था चारों तरफ धुआं ही धुआं। तो अब करते हैं हम खाते हैं रोटी, तो हमारा खाना आ चुका है, ये मैं लेके आ गया हूँ, मेट्रो लेके आ रहा है रोटी, तो खाते हैं खाना जल्दी से, अभी समय बच गए हैं 9, तो आज 9 बजे खा रहे हैं खाना, क्योंकि मैंने शाम को खाना खाया था करीब 6 बजे के करीब, तो भूख थोड़ी कम लग रही है, तो अब बच गए 9, खाते हैं खाना। आज नेक्स्ट डे 30 ब्लॉग का करते हैं एंड, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।